जैसा कि आप लोगों ने बोला था कि मैम बाल दिवस का प्रश्न एक और प्रश्न दो का वीडियो बना करके भेज दीजिए, तो ये मैं भेज रही हूँ। और इसके प्रश्न 3, 4, 5 ये ऑलरेडी हो चुके हैं, बट फिर भी मैं आपको ये पाठ दोबारा से करवा देती हूँ। और इस पाठ में क्या है बच्चों, पाठ में क्या है, प्रश्न एक है हाँ या ना में उत्तर लिखिए। क्या है, हाँ या ना में उत्तर लिखिए। प्रश्न है क्या आज जंगल में बाल दिवस है, हाँ है, ठीक है। उसके बाद ख, क्या हाथी दादा आज सुस्त हैं, नहीं हाथी दादा सुस्त नहीं थे। उसके बाद प्रश्न तीन था क्या हाथ, ग, क्या खरगोश सबको पानी पिला रहा है, हाँ सबको खरगोश जो है वो पानी पिला रहा है। उसके बाद है क्या सब जानवर शेर सिंह को नमस्कार करते हैं, हाँ। क्या भालू बर्फी बना रहा है, नहीं भालू बर्फी नहीं जलेबी बना रहा था। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। झाड़ियाँ कहाँ से साफ की गई, उत्तर क्या है, झाड़ियाँ जमीन से साफ की गई। क्या उत्तर है, जमीन, ठीक है। उसके बाद है बंदर कौन से फल का मज़ा ले रहा है, बंदर जामुन का मज़ा ले रहा है, कौन से फल का, जामुन का। उसके बाद है प्रश्न ग, शेर ने किस रंग के जूते पहने हुए हैं, उत्तर क्या है, शेर ने पीले पीले रंग के जूते पहने हैं। उसके बाद है घ, बाल दिवस किसके कहने से शुरू हुआ, ठीक है, तो उसका उत्तर क्या है, हाथी के कहने पर बाल दिवस शुरू हुआ। किसके कहने पर, हाथी के कहने पर। आप में से अगर कोई बच्चा लिखेगा बाल दिवस हाथी के कहने पर शुरू हुआ तो ये उत्तर भी सही होगा। उसके बाद है अंग, चीता ने गले में लाल रंग का क्या बांधा था, तो चीता ने गले में लाल रंग का रुमाल बांधा था। क्या बांधा था, रुमाल बांधा था। उसके बाद आपका ये प्रश्न था जिसे कि मैम ने पिछली क्लास में ही करवा दिया था, मिलाना था और सेंटेंस वाक्य पूरे करने थे। उसके बाद आप लोग इस प्रश्न के बारे में भी थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि ज और ज ध्वनियों के 5 शब्द लिखना है, तो चलिए मैं सबसे पहले इसी पेज में से ढूंढ लेती हूँ। हमें क्या ढूंढना है, ज, देखो यहाँ पे क्या है, ये जंगल एक आपको यहाँ मिल गया, दूसरा जानवर मिल गया, यहीं पर दो तो यहीं मिल गया ना। अच्छा अगर हम बुक में आते हैं बेटा, तो बुक में हमारा आता है राजा, जानवर, जलेबी, जल, 4 तो मैम ने यहीं दिखा दिया आपको, और एक और यहीं दिखा देती हैं, देखो जुलकर, ये भी है ना। अच्छा उसके बाद क्या आता है, ज, ज वाला, तो देखो ये कमीज़, ठीक है, कमीज़। के बाद में हम आते हैं, अब अगर हम ये पेज को चेंज करेंगे तो भी आएगा जिंदगी, जिंदगी गुजरे, 3 तो यही हो गया, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, हम दूसरे पेज में आते हैं, यहाँ भी हमें मिल जाएंगे ज वर्ड से, ज़्यादा, ज़मीन, 5 हो गए ना, मज़ा, और भी हो जाएंगे। और अगर हम ज की बात करते हैं तो जामुन, जिराफ, जानवर, ऐसे ही आपको 5-5 लेना है, एक लाइन खींच देना है, ज वाले शब्द इधर लिखना है और ज वाले इधर, ज़रा, दिख गया ना, तो ये कंप्लीट कर लेना। अब आपको क्या करना है, प्रश्न 1 बुक में करना है, प्रश्न 2 कॉपी में करना है, प्रश्न 3 कॉपी में करना है, प्रश्न 4 कॉपी में करना है, और प्रश्न 5 बुक में करना है, ठीक है। ये प्रश्न हो गया, और इसी तरह से ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है हमारा, बाल दिवस
पार्ट कंप्लीट होता है। अगर आप में से किसी के मम्मी पापा, भैया, दीदी या आप खुद से भी प्रश्न के उत्तर में थोड़ा सा आगे पीछे लिखे हैं तो लिख सकते हैं, बस हमारा उत्तर जो है ना वो सही होना चाहिए। यानी कि पहले का क्या उत्तर है? जमीन। दूसरे का है कौन से की जगह? जामुन। तीसरा है शेर ने जंगल किस रंग के, तो किस की जगह होना चाहिए? पीले। बाल दिवस किसके कहने पर? हाथी के कहने पर। चीता ने गले में लाल रंग का क्या बांधा? रुमाल बांधा। ये आप मेरे तरीके से भी लिख सकते हैं और आप अपने घर के बड़ों के तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, तो डू योर वर्क। ओके, बाय बाय।